एक समय की बात है, बैथलहम नामक गांव में एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ। यह बच्चा ना किसी सामान्य बच्चा था और ना ही एक साधु, बल्कि वह ईसा मसीह था, जिसे लोग भगवान का पुत्र मानते हैं। इस बच्चे का नाम ईसा रखा गया था, जिसका अर्थ है उद्धारण या उद्धारक। उसकी माँ का नाम मरियम था और पिताजी का नाम जोसेफ था। ईसा का जन्म साधारणता में नहीं हुआ, बल्कि एक छोटे से स्थान पर एक गाड़ी में हुआ, जिसे स्थानीय भेड़ बकरी के बगीचे में रखा गया था। उसी रात तारे चमक रहे थे और एक विशेष प्रकाशमय तारा भी दिखाई दिया। गांव वाले और दुर्गमों को बचाने वाले उपद्रव मचा रहे राजा हेरोद को इसकी खबर मिली। उन्होंने ईसा को खतरनाक मानते हुए उसे मारने का निर्णय किया। एक सपने में दिखाई दी गई चेतावनी के बाद जोसेफ और मरियम ने ईसा को लेकर एक दूसरे स्थान पहुंचे, जिससे ईसा की जान बच सके। ऐसे में ईसा ने लोगों को मोहब्बत और शांति का संदेश दिया और उन्हें सिखाया कि सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उनके जीवन ने लोगों को आलोकित किया और एक नए आदर्श की ओर मार्गदर्शन किया।